और अपोजिशन अवाम की अदालत से मुस्तरद हो चुकी है। उनको दर्द सिर्फ इक्तदार से दूरी का है। शाहिद खाकान अब्बासी और अहसन इकबाल अपना अपना मरहम ढूंढ रहे हैं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, किसी से भी मुलाकातें करें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फिरदौस आशिक अवान की अपोजिशन पर लफ्जी चढ़ाई, बिलावल के हवाले से कहा कि उसने हुकूमत मुखालिफ मोर्चा जनी की हुई है। साथ ही साथ मोमिन खसूसी ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा को सनत का दर्जा देने का ऐलान भी कर दिया। कहा कि सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से सेंसर बोर्ड बनाएंगे। जो दर्द की दवा लेने गए थे, अभी तक उस दर्द की तशखीस ही नहीं हुई। डॉक्टर अदनान साहब कोई बेहोशी की दवाई लेके सो गए हैं। मियां साहब की हकीकत और सेहत के मुतलका जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्यों नहीं दे रहे? वेली अपोजिशन को कोई तो काम करने दें। लीडर ऑफ द अपोजिशन है कोई नहीं है। शाहिद हकान अब्बासी साहब का एक जाती दर्द है और हसन इकबाल साहब का बेतहा दर्द है, वो उसके लिए मरहम ढूंढ रहे हैं। बिलावल साहब ने यहाँ जो मोर्चा जनी की हुई है और उन मोर्चों से जो तोपों का रुख हुकूमत की तरफ किया हुआ है, जिस वक्त यहाँ PMLN की जिले सुबहानी और शहनशाह आलम की हुकूमत थी, जाती उमरा में तितर बटेर खाए जा रहे थे, उस वक्त यहाँ उनको बैठना चाहिए था। और अगर उस वक्त वो बैठते तो आज इस तरह पंजाब में लावारस नजर ना आते। फिल्म इंडस्ट्री को, फिल्म प्रोडक्शन और फिल्म जो सिनेमा, इन दोनों को हम इंडस्ट्री का दर्जा देने जा रहे हैं।